हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम टेंडर के जो बाकी के हमारे जो प्रीवियस क्लास में हमने टेंडर स्टार्ट कर दिया था, वैसे ये टेंडर का हमारा सेकेंड पार्ट है। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हमने टेंडर का बेसिक मीनिंग समझ लिया था, उसके जो दो मेथड्स है उसके बारे में बात कर ली थी। आज हम थर्ड मेथड पर स्टार्ट करते हैं। थर्ड मेथड है हमारा सिंगल टेंडर, एकल निविदा। ठीक है, उसके ऊपर बात करते हैं क्या होता है एकल निविदा। चलिए, सबसे पहला एकल निविदा, ऐसी निविदा उसी दशा में की जाती है जब क्रय की जाने वाली सामग्री उसी फर्म के एकल अधिकार में होती है। यह कब की जाती है देखना। सच अ टेंडर इश्यूड ओनली इन दोज केस, Only in those cases where an item is a proprietary nature, or where a रिपीटेटिव टेंडर ऑर्डर टू रिपीटेटिव ऑर्डर टू इज टू बी इश्यूड विद इन अ शॉर्ट पीरियड। चलिए देखिए, सबसे पहला जो हमने बात किया है वो ये है कि सिर्फ उन्हीं केसेस में ये निविदा यूज की जाती है, ये निविदा लागू की जाती है जिनमें जिस भी सामग्री को, जिस भी मटेरियल को हम परचेस करने वाले हैं, वो मटेरियल सिर्फ उसी फर्म के द्वारा परचेस किया जा सकता है, या फिर हम सिर्फ उसी फर्म के द्वारा परचेस करते हैं, तो वो क्या होगा, उस समय हम एकल निविदा यानी सिंगल टेंडर इश्यू करेंगे। क्लियर है? फिर देखिए, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, देखिए इसमें सबसे पहला था आपका यही जो अभी मैंने आपसे आपके साथ डिस्कस किया। सेकेंड था आपका कि जब आप किसी और सोर्स से आप अपनी मटेरियल की सप्लाई नहीं करवा सकते, ठीक है, फिर है आपका कि जब आपको टाइम टू टाइम शॉर्ट पीरियड में आपको क्या करना पड़ता है, बार बार ऑर्डर देना पड़ता है, यानी क्रय आदेश जो है वो कम समय अंतराल में आपको जब देना होता है तो आप इस सिंगल टेंडर को यूज कर सकते हैं। इसमें तीन ही सेंटेंस थे, तीन ही हाइलाइट्स थे। सबसे पहला हाइलाइट्स ये था कि जब आपको एक ही फर्म के थ्रू आपको हमेशा एक ही फर्म या उसी फर्म की मटेरियल को आपको बाय करना है तो आप सिंगल टेंडर निकाल सकते हो। सेकेंड आपका कि जब आपको अदर सोर्स से सप्लाई ही नहीं करवानी है तो आप क्या कर सकते हो, सिंगल टेंडर यूज कर सकते हो। एंड लास्ट है आपका कि अगर शॉर्ट टर्म में, अगर शॉर्ट पीरियड में अगर बार बार आपको ऑर्डर देना है सप्लाई के लिए तो आप इस सिंगल टेंडर को यूज कर सकते हो। क्लियर है यहां पर? अब हम बात करते हैं फोर्थ की। फोर्थ क्या कहता है उस पर बात करते हैं। फोर्थ कहता है हमारा ओरल टेंडर। अब देखिए, ओरल टेंडर क्या होता है, ओरल टेंडर यानी मौखिक निविदा, मौखिक निविदा। ठीक है, अब देखिए मौखिक निविदा यानी कि यदि सामग्री बहुत कम और शीघ्र चाहिए, ठीक है, इफ द मटीरियल आर माइनर एंड अर्जेंटली नीडेड
A man is deputed to purchase the required items from the open market. तो एक व्यक्ति को नियुक्त कर दिया जाता है जो खुले बाजार से क्या करे, सामग्री क्रय करता है. अगर जल्दी सामग्री चाहिए और कम सामग्री चाहिए तो वो ओपन मार्केट से क्या कर सकता है, परचेज कर सकता है. अब ओपन मार्केट से करेगा तो वो टेंडर कैसे होगा, जैसे कि वो हर दुकान या हर शॉप पर जहाँ पर भी वो सप्लायर्स है वो सबसे बात करेगा, जो भी खुद जा जाकर इनिशियली वो बात करेगा और अपनी मटेरियल को जो उसको सूटेबल है उससे वो ले सकता है. नियुक्त किया गया कर्मचारी दो या तीन सेल्समैन से सामग्री के मूल्यों की तुलना करेगा. मैंने अभी क्या कहा कि जो भी ओपन मार्केट में जाएगा वो क्या करेगा, प्राइस जो है उसका कोटेशन लेगा. फाइंड आउट द प्राइस फ्रॉम वन और टू वेंडर्स, टू एंड थ्री वेंडर्स एंड मेक द परचेज फ्रॉम द वेंडर हु कोट्स द मिनिमम प्राइस. वो क्या करेगा, मिनिमम प्राइस को चेक करेगा यानी डिफ्रेंशिएट करेगा. ठीक है, देन इसके बाद एंड हु सप्लाइज द नेसेसरी स्पेसिफिकेशन, जो उसे पूर्ति किस आदेश पूर्ति करने का आदेश देगा, जो कम प्राइस में देगा उसको क्या करेगा, वो सप्लाई करने का ऑर्डर कर देगा, ऑर्डर टू सप्लाई. अब देखिए इसका एक एग्जाम्पल की बात करती हूं मैं. एग्जाम्पल, ए को मटेरियल चाहिए था, ए ने एक्स को अपॉइंट किया. ठीक है, एक्स को कहा कि ओरल टेंडर है, ठीक है, तुम ओपन मार्केट में जाओ, तुमको क्या करना है, वहां से जो भी कम प्राइस में हो उसको उस मटेरियल उस फॉर्म से हमको क्या करनी है, सप्लाई करवानी है. एक्स कहाँ गया, एक्स गया हमारे पी क्यू और आर, तीन सप्लायर के पास गया. एक्स ने जो प्राइस थी वो 10 थी, ठीक है. अब पी ने उसको 9 में सेल करने को कहा, एट ने उसको क्यू ने उसको 8 में करने को कहा और आर ने उसको 7 में करने को कहा. यानी इन तीनों को कंपेयर करने पर हमको पता चलता है कि हमारा जो आर है वो ज़्यादा सूटेबल होगा. क्यों, क्योंकि उसकी जो प्राइस है वो कंपेरेटिव इन दोनों से कम है. तो यहाँ पर ए जो एक्स है वो कौन सा कोटेशन देगा, आर का, आर को प्रेफरेंस देगा और आर का जो रेफरेंस है वो ए के पास लेकर जाएगा और ए उसको सप्लाई के लिए ऑर्डर कर सकता है. क्लियर है यहाँ पर, ये था हमारा ओरल टेंडर, समझ आया. अब हम बात करते हैं कि अब जैसे टेंडर टेंडर की बात आ ही गई है तो टेंडर का स्पेसिमेन हम कैसे टेंडर को इनवाइट करते हैं उसके बारे में भी हम देख लेते हैं. क्लियर है, चलिए टेंडर का एक स्पेसिमेन देख लेते हैं. स्पेसिमेन नोटिस ऑफ इनवाइटिंग टेंडर्स, ठीक है. चलिए सबसे पहला एक कंपनी बना देते हैं, एक्स वाई जेड, ठीक है, लिमिटेड, ये हमारी कंपनी है. अब इसमें सबसे पहले हम बना देते हैं परचेज डिपार्टमेंट, ठीक है. परचेज डिपार्टमेंट, यहाँ आपको क्या करना है, परचेज डिपार्टमेंट का जो भी आपका है वो लिख देना है. ये सिर्फ स्पेसिमेन है, ब्रांच ऑफिस कहाँ कहाँ है आपकी ब्रांचेस वो आपके लिख देना है आपको. इस साइड आप लिख दोगे रजिस्टर्ड ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस, ठीक है. देन इसके बाद आप लिख दोगे टेलीफोन नंबर, टेलीफोन्स, उसके बाद लिखोगे टेलीग्राम, ठीक है. फिर रेफरेंस नंबर, अभी हमने रेफरेंस नंबर लिखे थे ना वैसा रेफरेंस नंबर. फिर सब्जेक्ट टेंडर फॉर
जो आपका टेंडर का है वो लिखना है आपको, फिर टू, चलो ये टू नेक्स्ट पे लिखते हैं, फिर आपको लिखना है टू, एक सेकेंड, टू जो भी आपके रेस्पेक्टेड है, ठीक है। देन उसके बाद आप स्टार्ट करते हो काइंडली सबमिट। आपने न्यूज़पेपर में देखी होगी निविदा ऑन और बिफोर, आपकी जो डेट है वो लिख देना है आपको, योर कोटेशन एंड ड्यूप्लीकेट डुप्लीकेट इन सील्ड कवर एड्रेस्ड टू आर परचेज ऑफिस ऑफिसर विद आर जो भी आपका रेफरेंस है, रेफरेंस नंबर, सीटेड अबाउ एंड डेट ऑफ ओपनिंग ड्यूली सुपरस्क्राइब्ड ऑन द कवर, ये आपका स्पेसिमेन है, ठीक है, फॉर द अंडर नोटेड स्टोर्स सब्जेक्ट टू द टर्म एंड कंडीशन प्रिंटेड ओवर लीफ। फिर उसके बाद प्लीज कोट फॉर द जो आपका FOR होता है उसको आपको लिखना है, जो आपकी कंपनी है वो, फिर आपका डिलीवरी इन आर गोडाउन, ठीक है, गोडाउन में आपको डिलीवरी करनी है। फिर ओपनिंग डेट ऑफ कोटेशन एट, जो भी आपका डेट है, जो भी आपका टाइम है उसके हिसाब से, फिर आपका जैसे ये आइटम है, ठीक है, कोटेशन में आप ऐसे डालोगे आइटम नंबर डिस्क्रिप्शन एंड देन उसके बाद क्वांटिटी, ये देखिए कुछ इस तरीके का बनेगा, ठीक है। फिर आप अल्टरेशन और डिले जो भी आपकी स्क्रूनिटी ऑफ टेंडर्स है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट वगैरह, वो सारे आप इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिक आपको फॉर्मेट बता दिया है मैंने, ये रहा हमारा बेसिक फॉर्मेट, यहाँ से इस तरह से कुछ बनेगा। अब हम आगे बात करते हैं, आगे है हमारा परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर क्या होता है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। चलिए सबसे पहला परचेज ऑर्डर, परचेज ऑर्डर क्रयादेश होता क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं। While the purchase order is the vendor's authority to ship and charge for the goods specified, it is the buyer commitment to the vendor for the value of goods ordered. यानी कि क्रय आदेश पूर्ति करता, यानी विक्रेता का वह अधिकार पत्र है जिसके आधार पर उसे सामग्री के प्रेषक और सामग्री के मूल्य के भुगतान प्राप्त करने का अधिकार मिल जाता है। चलिए While the purchase order
इज द वेंडर इज द वेंडर अथॉरिटी टू शिप एंड चार्ज and charge for the good specified it is the buyer's commitment commitment to the vendor for the value of goods order. अब बात करते हैं क्रय आदेश यानी परचेज ऑर्डर की. परचेज ऑर्डर वो है क्रय आदेश पूर्तिकर्ता यानी सेलर का एक ऐसा राइट है, एक ऐसा ऑथोरिटी है जिसके बेस पर वो मटेरियल के जो बायर है, मटेरियल सामग्री के प्रेषक एवं सामग्री के मूल्य के भुगतान प्राप्त करने का, यानी कि जो सामग्री सेंड कर रहा है, जो गुड्स को सेंड कर रहा है उसका राइट, और मटेरियल का जो पेमेंट मिलने का राइट है वो जिसके पास परचेज ऑर्डर होता है, क्रय आदेश से एक सेलर को ये ऑर्डर मिल जाता है, ये अथॉरिटी मिल जाती है. देखिए वापस से बता रही हूँ, व्हाइल द परचेज ऑर्डर इज द वेंडर्स अथॉरिटी, ये एक वेंडर की, एक सेलर की अथॉरिटी होती है जिसमें उसे पेमेंट, सामग्री का, मटेरियल का पेमेंट प्राप्त करने का अधिकार मिल जाता है. यह विक्रय अनुबंध का अभिन्न अंग होता है. इट इज इंटरगल पार्ट ऑफ द सेल्स एग्रीमेंट. ये किसका पार्ट होता है? सेल्स एग्रीमेंट का ही पार्ट होता है. क्लियर है यहां तक? फिर आता है आपके, यह क्रेता और विक्रेता के मध्य कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप बनाता है. ये जो है वो क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन बायर एंड सेलर. सेलर के और बायर के बीच में कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप बनाता है. ठीक है, ये होता है हमारा परचेस ऑर्डर. क्लियर है यहां पर? अब परचेस ऑर्डर में डालेंगे क्या क्या, डेटा क्या क्या होगा, चलिए डेटा पर बात करते हैं. डेटा ऑफ परचेज ऑर्डर, चलिए परचेज ऑर्डर में डेटा क्या क्या डालेंगे. सबसे पहला नंबर, सेकेंड है हमारा क्वांटिटी, ऑर्डर्ड, थर्ड है हमारा डिस्क्रिप्शन, फोर्थ है हमारा डिलीवरी एंड शिपिंग इंस्ट्रक्शन बिलिंग एंड टर्म्स, एंड नेक्स्ट है आपका प्राइस एंड मिसलानियस क्लॉजेस. क्लियर है यहां पर? यह है हमारे डेटा. ठीक है, अब चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि जब हम परचेज ऑर्डर देते हैं तो किन किन रूल्स को हमको फॉलो करना है. ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि कौन से बातें हैं जिनको हमको ध्यान रखना है. सबसे पहली जो बात है वो है आपका परचेज ऑर्डर.
डेटा का, डेटा क्या क्या होता है वो लिखना है सबसे पहला, ठीक है। सबसे पहला ये जो है आपके क्या है बेसिकली, ये आपके जब आप परचेज ऑर्डर देते हो तो आप कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्या आता है आपका, डेटा ऑफ परचेज ऑर्डर, क्या क्या डेटा लेना है। सेकेंड अब आपकी आती है कि आपको ध्यान में और क्या रखना है, सेकेंड आपको रखना है रूल्स, रूल्स रिगार्डिंग परचेज ऑर्डर, रूल्स रिगार्डिंग परचेज ऑर्डर, परचेज ऑर्डर के रिगार्डिंग रूल्स क्या क्या है। सबसे पहला रिटर्न ऑर्डर, रिटर्न ऑर्डर होना चाहिए, यानी कि नो गुड्स एक्सेप्ट स्मॉल सन्ड्री परचेज विच आर अर्जेंटली नीडेड शुड बी ऑब्टेन विदाउट अ रिटर्न ऑर्डर इश्यूड एंड साइंड चलिए सबसे पहला है हमारा रिटर्न ऑर्डर। रिटर्न ऑर्डर आपको समझ आ गया होगा, रिटर्न ऑर्डर क्या कहना चाहता है, यानी कि क्रय आदेश सामान्यतः लिखित ही होता है। आपातकालीन स्थितियों में, यानी अगर आपको इमरजेंसी में चाहिए तो आपको क्रय आदेश लिखित अनिवार्य है, ठीक है। आपातकालीन को छोड़कर सभी कंडीशन में क्या है, आपको रिटर्न ऑर्डर मिलना चाहिए। फिर सेकेंड है आपका प्रॉपर अथॉरिटी, सेकेंड है आपका प्रॉपर अथॉरिटी, ठीक है। प्रॉपर अथॉरिटी होनी चाहिए, यानी कि केवल क्रय आदेश अधिकृत व्यक्ति द्वारा ही किया जाना चाहिए। ऐसा इसलिए होता है कि क्रय आदेश क्रेता और विक्रेता के मध्य लीगल रिलेशनशिप बनाता है। फिर आपका आता है कंफर्मेशन, कंफर्मेशन, ठीक है। कंफर्मेशन यानी कि क्रेता द्वारा पुष्टिकरण दिया जाता है कि आपको विक्रेता द्वारा कि आपको सप्लाई करनी है या नहीं करनी है। देन उसके बाद ओनली स्पेसिफाइड, स्पेसिफाइड सप्लाइज, सिर्फ कुछ ही सप्लाइज, यानी कि कुछ विशिष्ट शर्तों का ही उनमें क्या होता है, सप्लाई की कंडीशन में होता है। फिर आपका आता है डेट ऑफ डिलीवरी, डेट ऑफ डिलीवरी। फिर नेक्स्ट आता है आपका रिलायबल रिकॉर्ड्स, विश्वसनीय रिकॉर्ड्स के रूप में भी काम आ सकता है ये। फिर आपका आता है रिव्यू, ठीक है। ये थे हमारे के रूल्स रिगार्डिंग परचेज ऑर्डर के, ठीक है, क्लियर है यहां तक। फिर आपका लास्ट जो आपका पॉइंट आता है वो है आपका फॉलोअप का, लास्ट जो आपका पॉइंट आता है वो है फॉलोअप, फॉलोअप ऑफ परचेज ऑर्डर, परचेज ऑर्डर, क्लियर है यहां पर। चलिए इसको देखते हैं। प्रोडक्शन स्केड्यूल कैन बी मटेरियलाइज्ड ओनली इफ द मटेरियल आर रिसीव्ड इन टाइम, उत्पादन अनुसूची तभी इफेक्टिव रूप से पूरी हो सकती है जब सामग्री सही समय पर प्राप्त हो। इफेक्टिव कब होगी, जब मटेरियल आपको, मटेरियल क्या हो आपको, सही टाइम पर, इफ मटेरियल आर रिसीव्ड, मटीरियल आर रिसीव्ड, रिसीव्ड इन अ टाइम, फॉलोअप ऑफ द परचेज ऑर्डर इज अ वाइटल इंपॉर्टेंस फॉर इट। द फॉलोअप सेक्शन शुड सी दैट डिलीवरी डेट इज अ कीप, शुड नो अनअवॉइडेबल डिलेज इन अ टाइम टू प्रिवेंट क्रिपलिंग इन द प्लांट ऑफ द मटीरियल्स। यानी कि अनुगमन विभाग का यह पहला दायित्व है कि पूर्ति के दौरान की जाने वाली संभावित परेशानियों और व्यवधानों को दृष्टिगत रखते हुए पूर्ति तिथि का निर्धारण करें ताकि अवांछनीय देरी को रोका जा सके। जो डेट ऑफ डिलीवरी है उसको, जो भी उसके व्यवधान आते हैं डेट ऑफ डिलीवरी, वो हमारी एक्चुअल होनी चाहिए ताकि कंपनी को किसी भी तरह का डिले की वजह से कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़े, क्लियर है, फेस नहीं करनी पड़े उसको। यहाँ तक समझ आया आपको, देखिए
परचेज ऑर्डर में सबसे पहला जो पार्ट था हमको ध्यान रखने में, सबसे पहला था डेटा ऑफ परचेज ऑर्डर, सेकेंड था रूल्स रिगार्डिंग परचेज ऑर्डर, एंड थर्ड था आपका फॉलोअप। क्लियर है यहाँ पर? ठीक है, अब इसका जो स्पेसिमेन दे रखा है, स्पेसिमेन में जैसे ज़्यादा कुछ तो नहीं है, स्पेसिमेन में आपका दे रखा है, स्पेसिमेन भी चलिए एक बार बना ही लेते हैं। देखिए स्पेसिमेन में सबसे पहले हमने ए बी सी कॉर्पोरेट लिमिटेड ले लिया, ठीक है, उसके बाद परचेज ऑर्डर फ्रॉम जिस भी कंपनी से आया है, ए बी सी लिमिटेड परचेज डिपार्टमेंट, ठीक है, परचेज डिपार्टमेंट से आया है। फिर है आपका ब्रांच ऑफिस, ठीक है, उसके बाद टेलीफोन, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, फिर है टेल, फिर आपका क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है आपको रजिस्टर्ड ऑफिस, फिर है आपका डेटेड, डेट लिखनी है। अब आपको उसके बाद क्या लिखना है, योर कोटेशन नंबर, ठीक है, उसके बाद आपका कोटेशन नंबर यहां लिखना है आपको, देन उसके बाद ये देखिए ये टू, जिसको भी आप लिख रहे हो, जो भी कंपनी है आपका, फिर आपका जो भी ऑर्डर है यहां पर क्या लिखना है आपको, ऑर्डर नंबर, ठीक है, टू बी कोटेड इन द ऑल फ्यूचर कॉरेस्पॉन्डिंग चालान इनवॉइस इन ऑल पैकेज, जो भी आपका यहाँ पर प्राइस वगैरह है, जैसे प्राइस FOR ये, ठीक है, फिर डिलीवरी की डेट, इंस्ट्रक्शन, उनके बारे में सारी डिटेल आपको लिखनी होती है। फिर लास्ट में आप लिखोगे प्लीज डिस्पैच और डिलीवरी फॉर द फॉलोइंग स्टोर सब्जेक्ट टू द टर्म एंड कंडीशन इंस्ट्रक्टेड आर टू एड्रेस टू, यहाँ पर आपका क्या आएगा, एड्रेस आ जाएगा। क्लियर है, ये है आपका स्पेसिमेन, ठीक है, उसके बाद लास्ट में जो आपका स्पेसिमेन में बनेगा वो है आपका कि आपके SR नंबर, जैसे जो इंडेक्स बनती है ना, फिर है R टेंडर इंक्वायरी, ठीक है, उसके बाद आता है आपका डिस्क्रिप्शन, देन इसके बाद आती है आपकी यूनिट्स कितनी मंगवा रहे हो आप, फिर क्वांटिटी कितनी मंगवा रहे हो, फिर यूनिट की रेट क्या है उसके बारे में आएगा, एंड देन उसके बाद टोटल कितना आया, ठीक है, तो इसके बारे में कुछ इस तरह से ये आपका इंडेक्स बनेगा। ये देखिए कुछ इस तरह से आपका इंडेक्स होगा, ठीक है, और आपके यूनिट में वापस जो होगा, जैसे एक सेकेंड, हाँ ये जो है आपका यूनिट का, यहां से आपका वापस अलग से टोटल होगा, यहां आएगा आपका टोटल। क्लियर है यहां पर? ये था आपका पूरा स्पेसिमेन। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा, वैसे एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। आज की क्लास में हमने टेंडर के जो दो हमारे रिमेनिंग जो बचे थे मेथड्स, उसके बारे में डिस्कस किया, सिंगल मेथड और ओरल टेंडर्स, ठीक है, फिर उसके बाद टेंडर का स्पेसिमेन जो था उस पर डिस्कस किया, जैसे स्पेसिमेन ये देखिए टेंडर का स्पेसिमेन यहाँ हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है, उसके बाद हमने परचेज ऑर्डर स्टार्ट किया था, परचेस ऑर्डर के बारे में हमने डिस्कस किया, उसके बाद परचेस ऑर्डर जब भी हम देते हैं तो हमको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी होती है, उसमें सबसे पहला हमारा डेटा, सेकंड हमारे रूल्स, एंड थर्ड है हमारा फॉलोअप का स्टेप। देन उसके बाद हमने परचेस ऑर्डर का भी स्पेसिमेन डिस्कस किया, ये देखिए परचेस ऑर्डर इस तरह से बनता है। तो क्लियर है यहाँ पर? तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं और हमारा परचेस ऑर्डर और टेंडर यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।